हेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि में तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यू के ट्रिपल अस्सी ग्रुप सी प्रीवियस एयर सॉल्व पेपर पार्ट टू इस वीडियो में आपको एक यू के ट्रिपल अस्सी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें आपको शॉक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे गाइस देखिए प्रीवियस पेपर से काफ़ी फ़ायदा होता है हमको ये पता चल जाता है कि हमने अभी क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है क्या हमारी तैयारी है अभी और क्या हमें अभी तैयार करना है और किस तरह से यू के ट्रपल ऐसी क्वेश्चन पूछा पूछता है सारी रणनीति जो है आपको प्रीवियस पेपर देखने से मिल जाती है तो गाइज़ आज की वीडियो में हम लोग देखिए खाली क्वेश्चन उसके आंसर पर ही ध्यान करेंगे जो एक्सा फैक्ट होंगे उन पर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे क्योंकि सौ क्वेश्चन काफ़ी होते हैं इनको बताने में ही काफ़ी टाइम हो जाता है फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक्सा फैक्ट पे बात करेंगे तो गाइज़ अगर आप डेली उत्तराखंड जी के की वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते वीडियो को शुरू करते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन है सर्वोदय का संधि विच्छेद है तो देखिए सर्वोदय का जो संधि विच्छेद होता है इसका होता है सर्व प्लस उदय ठीक है सर्व प्लस उदय यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा अगला है ऐसा का पर्यायवाची है तो देखिए ऐसा का जो पर्यायवाची पर्यायवाची होता है यह होता है इच्छा क्या होता है इच्छा अगला है अनुराग का विपरीत आर्थक शब्द है तो देखिए अनुराग का जो विपरीत आर्थक शब्द होता है यह होता है विराग क्या होता है अनुराग का विराग अगला है व्यंजन कितने होते हैं तो देखिए व्यंजन जो होते हैं यह तैतीस होते हैं कितने होते हैं तैंतीस होते हैं यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अगला है कांति का पर्यायवाची है तो देखिए कांति का जो पर्यायवाची होता है ये होता है शोभा क्या होता है शोभा गाइस देखिए जो ये आंसर है वो यू के ट्रपलस्सी ने जो आंसर मान रखे हैं वही मैं भी आपको बता रहा हूँ ठीक है अगर किसी में कोई क्वेश्चन गलत होता है तो हम उसको बाद में देख लेंगे क्योंकि यू के ट्रपलस्सी ने जो आंसर की जारी की थी एग्ज़ामों की ठीक है जो क्वेश्चन पेपर हुए थे मैंने भी आपको वही बता रहा हूँ चलिए अगला है सरस्वती का पर्यायवाची है तो सरस्वती का जो पर्यायवाची होता है वाणी पाड़ी वाणी ठीक है वीणा पाणी वाणी शारदा यानी उपरोक्त सभी जो हैं ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं सातवा है द्वंद्व समास है तो देखिए द्वंद्व समास में पहचान होती है योजक चिन्ह की ये वाला तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण होगा विश्लेषण होगा तो ये क्या होगा सी क्या होगा इसमें सी यानी लाल पवन शब्द का संधि विच्छेद ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है पवन शब्द पवन काफ़ी महत्वपूर्ण है तो देखिए पवन शब्द की जो संधि विच्छेद होता है ये होता है पो प्लस अन ठीक है क्या होता है पो प्लस अन यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है जल और थल में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द है तो देखिए जो जल और थल दोनों में विचरण कर सकता है उसको क्या कहते हैं उभेचर क्या कहा जाता है उसको उभेचर अगला है अतिवृष्टि का ब्लोम शब्द क्या है तो अतिवृष्टि का जो ब्लोम शब्द होता है ये होता है अनावृष्टि क्या होता है अनावृष्टि अगला है लोहे के चने चवाना मुहावरे का अर्थ है देखिए लोहे के चने चवाना मुहावरे का जो अर्थ होता है ये होता है गाइज़ कठिन परिश्रम करना क्या होता है कठिन परिश्रम करना अगला क्वेश्चन है भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है तो गाइज इसमें अलंकार है उपमा अलंकार कैसा अलंकार है इसमें उपमा अलंकार अगला है राम राम कही राम, राम कही राम राम कही राम तनु परी हरि रघुबर ब्रिही राउू गहु सुरधाम उपरोक्त में कौन सा रस है तो गाइज इसमें करुणा रस है कौन सा रस है इसमें करुणा करुणा रस है इसमें अगला क्वेश्चन है प्रबल का ब्लोम शब्द क्या है तो देखिए प्रबल का जो ब्लोम शब्द होता है ये होता है निर्बल क्या होता है निर्बल, निर्बल। कपास ओठना मुहावरे का अर्थ है तो देखिए कपा ओटना मुहावरे का जो अर्थ होता है ये होता है व्यर्थ का कार्य करना क्या होता है व्यर्थ का कार्य करना माया दीपक नर पतंग में कौन सा अलंकार है तो देखिए माया दीपक नर पतंग में जो अलंकार होगा ये होगा रूपक अलंकार कौन सा अलंकार होगा रूपक अलंकार अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि है तो देखिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है देवनागरी अगला है दिन दिवस से संबंधित है तो ग्रह का संबंध जो है वो किससे है तो ग्रह का संबंध है सदन से अगला है जो अक्सर पढ़ना लिखना जानता हो के लिए एक शब्द है तो एक शब्द उसके लिए क्या होता है साक्षर ठीक है उसको क्या कहते हैं शाक्ष साक्षर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता very, very है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस वाला तो ये प्रतिवर्ष दस दिसंबर को मनाया जाता है अगला क्वेश्चन है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी तो इनको किस वर्ष फांसी दी गई थी गाइज 1931 में यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा निम्नलिखित में से किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिन्ह में उल्लेखित सत्य में भी निम्न में से किससे लिया गया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला होगा तो वैसे देखिए सत्यमेव जाये का जो उल्लेख दे रखा है ये मुंडक उपनिषद में दे रखा है अगला है अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किसका चयन किया था तो इन्होंने चयन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला तो गैस कौन है ये कर्णम मल्लेश्वरी कौन है कर्णम मल्लेश्वरी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है कर्णम मल्लेश्वरी इनका नाम आप याद रखेंगे अगला है निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या जनसंख्या में चीनी मिल हैं तो गैस ये किस में है तो ये हैं उत्तर प्रदेश में ठीक है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है चीनी मिल हैं अगला है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है तो उत्तराखंड विधानसभा जो है ठीक है तो उसमें एक सदस्य नामित किया जाता है तो वो किसके द्वारा नामित किया जाता है मतलब नामित किया जाता है कौन एंग्लो इंडियन ठीक है आंगल भारतीय समुदाय से जो है वो नामित किया जाता है और उसको नामित कौन करता है राज्यपाल करता है कौन करता है इसको नामित राज्यपाल करता है अगला क्वेश्चन है वह शहर जो भारत की वित्तीय राजधानी कहलाता है कौन सा है तो यह है मुंबई कौन सी है मुंबई अगला है भारत में शिलोंग किस राज्य की राजधानी है तो गैस ये राजधानी है मेघालय की यानी ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा देखिए ठीक है राज्यों की राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए अगला है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है तो गैस ये होता है पैंसठ वर्ष की आयु में यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया हो तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है तो गाइज़ ये देखिए जब दोनों सदनों पर जो है मतलब बहस हो मतलब विवाद उत्पन्न हो गया मान लो ठीक है तो उनमें मतभेद जो है वो किस तरह से दूर होगा तो उसमें क्या होगा राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाएगा ठीक है संयुक्त बैठक बुलाएगा तो हमारा ए ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता है तो देखिए ये कौन नहीं हो सकता है गाइज़ ये पागल व्यक्ति ठीक है कौन नहीं हो सकता है पागल व्यक्ति कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता है तो पागल व्यक्ति ठीक है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी गाइज़ पूछे जाते हैं ठीक है काफ़ी पूछे जाते हैं गाइज एक बार इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लो कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता है देखिए व्यक्ति हो सकता है एवी हो सकता है पागल व्यक्ति हो सकता लेकिन कोई कंपनी व्यक्ति ठीक है नागरिक नहीं हो सकती है तो इसका सी हो जाएगा गाइज ठीक है इसका सी हो जाएगा अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी रखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये स्थित है द हैग कहाँ पर है द दैग अगला है देखिए इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो पंद्रह होती है और इसमें जो कार्यकाल होता, होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो नौ वर्ष का होता है ठीक है ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद रखना अगला है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है तो गैस ये कहाँ पर स्थित है देहरादून में कहाँ पर स्थित है देहरादून में अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में कहाँ पर स्थित है पिथौरागढ़ में अगला क्वेश्चन है कार्बेट फॉल स्थित है तो देखिए कार्बेट फॉल जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है नैनीताल में अगला है पुष्पावती नदी बहती है तो देखिए पुष्पावती नदी जो बहती है ये बहती है फूलों की घाटी में ठीक है अगला है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितने कि सीटें आरक्षित हैं तो ये हैं तेरह ठीक है तेरा, कितनी है तेरह सीटें अगला है उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है तो उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है यह है चंपावत कौन सा है चंपावत सात साल के बच्चे में अस्थाई मोलर दांतों की कुल संख्या होती है तो ये कितनी होती है आठ कितनी होती है आठ लक्षद्वीप निम्नलिखित में से क्या है तो देखिए लक्षद्वीप जो है एक दीप समूह है क्या है ये दीप समूह है अगला है लेखकों और पुस्तकों को, को निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है तो देखिए इस नागार्जुन ये ध्रुव ये ध्रुव जो है नागार्जुन की नहीं है कमेंट के माध्यम से बताइए चलिए ध्रुप स्वामनी किसकी पुस्तक है अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रमुख कौन थी तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो प्रमुख थी ये थी बेसेंट कौन थी एनी बेसेंट अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो गैस ये थी एनी बेशेंट कौन थी एनी बेशेंट अगला है भारत में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है तो भारत में ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है यह है छियालीस दशमलव एक प्रतिशत विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो गैज़ देखिए इस तरह से मान लो आप एक, -एक मिलकर ठीक है दो बनते हैं ना तो ग्यारह जुलाई ठीक है तो इस तरह से इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया तो गैस ये किया गया था 2007 में ठीक है कब किया गया था 2007 में अगला है उत्तराखंड की ताम्र नगरी है तो उत्तराखंड की ताम्र नगरी है अल्मोड़ा अगला है गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध था तो देखिए गढ़ केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं ये हैं अनुसुईया प्रसाद वहुगुना जी अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किससे भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है तो गैज़ ये लगती है बांग्लादेश के साथ किसके साथ लगती है बांग्लादेश के साथ अगला है भारतीय अंतरिक्ष कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो गैज ये उन्नीस में जो है प्रारंभ हुआ था अगला है उत्तराखंड में चार धामों में निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है तो गैज़ ये सुमिलित नहीं है रुद्रनाथ कौन सुमेलित नहीं है रुद्रनाथ नहीं है अगला क्वेश्चन है नंदा राजा दो हज़ार चौदह किस दिनांक से प्रारंभ हुई तो गैस ये हुई थी अट्ठारह अगस्त ठीक है अट्ठारह अगस्त से तो ये डेट आप जरूर याद रखना पूछ सकता है अगला है निम्न वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड में लीसा का मुख्य स्रोत है तो यह है चीड़ चीड़ का वृक्ष पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है तो ये की जाती है तने से किससे की जाती है तने से अगला क्वेश्चन है बिंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक हैं तो देखिए बिंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल कलाम ये पुस्तक काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विभाजन किस मानचित्रकार ने किया था अगर आज आपने एक हमारी वीडियो देख रखी होगी सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट पार्ट बारह वाले तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है तो ये थे रेड क्लिफ़ कौन थे रेड क्लिफ अच्छा अगला है उत्तराखंड में से कौन सा अल्पसंख्यक सबसे अधिक है तो गाइज़ ये है मुस्लिम ठीक है मुस्लिम जो है सबसे अधिक हैं अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तो देखिए ये है एक ठीक है एक अगला है कटारमल मंदिर किस इस देवता से संबंधित है तो यह है सूर्य से अगला है चंद्र साम्राज्य का राज्य निशान क्या था चंद्र साम्राज्य का राज्य निशान क्या था तो ये थी गाय क्या थी गाय अगला क्वेश्चन है भारत का त्रिसैन्य कमान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है तो गाय ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है अंडमान निकोबार में अगला है स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा दी गई सैन्य कार्रवाई का नाम था तो गैज़ ये नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सामाजिक संजाल नहीं है तो गैज़ यह है परम ठीक है परम नहीं है अगला है कोई विधेयक कानून का स्वरूप लेता है जब ठीक है ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण गए जब कोई कोई विधेयक कानून का रूप लेता है दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्तांक्षित कर दिए जाते हैं मतलब दोनों लोकसभा राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया हो और राष्ट्रपति उसको अपने जब सिग्नेचर कर देता है तो वो अपना कानूनी रूप ले लेता है अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था तो गए तो ये अपनाया था 26 नवंबर उन्नीस को ठीक है कब अपनाया था 26 नवंबर उन्नीस सौ नवंबर उन्नीस को और 26 जनवरी 1950 से जो है ये लागू हुआ था दोनों आप याद रखना अपनाया कब था और लागू कब करा था अगला है निम्न में से कौन सा पादा बायोडीजल का मुख्य स्रोत है तो गैज़ ये है जेट्रोपा ये क्वेश्चन यू के ट्रपल ने दो बार रिपीट कर रखा है बैडमिंटन के खेल में किसने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है तो गैज़ ये हैं साइना नेहवाल कौन है साइना नेहवाल अगला है गाइज चौदह नवंबर yup. को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो देखिए चौदह नवंबर को जो मनाया जाता है बाल दिवस मनाया जाता है अगला है घेंगा रोग किस कमी के कारण होता है तो गाइज़ ये होता है आयोडीन की कमी के कारण भारत की न्यायिक अकेदमी स्थित है तो गाइज़ ये स्थित है भोपाल में कहाँ पर स्थित है भोपाल में अगला क्वेश्चन है देखिए ये बायो का क्वेश्चन है लेकिन आपको जीके में कहीं ना कहीं, कहीं काम आएंगे फेब्रिन रोग किस में किस में हो किस में होता है पेब्रिन ठीक है पेब्रिन रोग ये किस में होता है गैस तो ये रेशम का कीट ठीक है रेशम का कीट में अगला है जहाज महल का निर्माण किस स्थान पर हुआ था तो देखिए जहाज महल का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था मांडू में कहाँ पर हुआ था मांडू में अगला है दिल्ली में बनाए गए एक नए नगर दीन पनाह की नींव किसने रखी थी तो ये रखी थी अकबर ने किसने रखी थी अकबर ने अगला क्वेश्चन है बादशाही मस्जिद इस स्थित है तो देखिए बादशाही मस्जिद जो स्थित है यह है लाहौर में कहाँ पर स्थित है ये लाहौर में स्थित है, है। अकबर का पूरा नाम क्या था तो देखिए अकबर का जो पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है तो गैज़ यह है अनुच्छेद इक्यावन ए यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है तो यह बुध कौन सा है बुध और ये सूर्य के सबसे नज़दीक भी है अगला है नंदा देवी नंदा देवी मंडल रिजर्व तीन जनपदों में फैला है किस किस में गायसी फैला है तो देखिए चमोली पिथौरागढ़ और बागेश्वर ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं तो देखिए प्राथमिक रंग जो होते हैं लाल ठीक है रेड ब्लू और ग्रीन ये होते हैं यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है वाडिया संस्थान उत्तराखंड में शोध कार्य करता है तो ये करता है भूगर्भिक सर्वेक्षण में यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्य पशु है तो ये कौन है कस्तूरी मृग अगला है आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू के पहले इसको कई बार रिपीट किया है तो ये दो पाँच में इसको लागू किया था मेगा आ फिल्म की भाषा है तो मेगा आ फिल्म जो होती ये कुमाऊनी भाषा की फिल्म है अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पत्थर युद्ध भगवाल खेला जाता है तो ये खेला जाता है देवीधुरा मेले में अगला है राष्ट्रीय जलीय प्राणी है देखिए राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है ये है डॉल्फिन ठीक है कौन सी है डॉल्फिन यम होता है तो यम जो होता है ये क्या होता है बोना ग्रह क्या है ये बोना ग्रह अगला क्वेश्चन है लीपू लेख पास स्थित है या लीपू लेख दर्रा स्थित है तो ये कहाँ पर स्थित है ये अपने उत्तराखंड में ही स्थित है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है तो गैस ये बना है नर्मदा नदी पर किस पर बना है नर्मदा नदी पर अगला क्वेश्चन है जनगणना दो हज़ार के अनुसार किस प्रदेश में सबसे अधिक आबादी ठीक है में आबादी है तो गैज ये है बिहार में कहाँ पर है बिहार में देखिए मानव शरीर में खून का पीएच मान कितना होता है ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया लेकिन ये बायो का क्वेश्चन है तो आप आगे से इसको याद रखेंगे अगर कोई सेंट्रल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये आपको काफ़ी मदद करेगा तो मानव शरीर में खून का पीएच मान जो होता है ये होता है सेवन कितना होता है सेवन पॉइंट फोर अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे तो गाइज़ देखिए अधिकतर लोग जो है इसमें महावीर टिक कर देते हैं फटाक से जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर इस तरह से तो ये कौन थे गाइज ऋषभ देव लगाना कौन थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ठीक है ऋषभ देव अगला है उत्तराखंड के किस जनपद में चीनी उद्योग है तो गाइज देखिए हरिद्वार में भी हैं और ऊधम सिंह नगर में भी हैं तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा ठीक है अगला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी किसे मापने में उपयोग किया जाता है तो ये हृदय गति को मापने में इसका यूज़ किया जाता है अब देखिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है यू एस बी इसका फुल फॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और पूछी भी गई है कई एग्जाम में तो यूनिवर्सल सीरियल बस ठीक है यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है अगला है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था तो देखिए ये था रहीम खान कौन था रहीम खान सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा किस में व्याख्यात हैं तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये विख्यात हैं संतूर ठीक है संतूर जो होता है उसमें विख्यात हैं गाई ये अगला है गांधी जी ने डांडी यात्रा प्रारंभ की थी तो इन्होंने नमक पर लगाए गए टैक्स के विरोध में जो है इसको शुरू किया था अगला क्वेश्चन है वह पहली महिला कौन थी जिसे माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ाई पूरी की तो ये थी संतोष यादव तो गाइज ये थे यू के ट्रिपल एस सी प्रीवियस जो एयर क्वेश्चन पेपर पार्ट टू के सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं देखिए प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से फ़ायदा क्या होता है एक तो आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनर पूछ रहा है और आपने तैयारी कितनी कर रखी है और आपका क्या पढ़ना है अभी क्या छूट गया है आपसे वो सब आपको इससे पता चल जाता है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर लगाएं गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और डेली इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी भी देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग